अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर, चकतला दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं। 1700 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। 55,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन की सिंचाई होगी। 159 गांवों को इस परियोजना से फायदा पहुंचने वाला है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन सीएम करने वाले हैं और 1700 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, आज सीएम का चकतला दौरा है, 1700 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन होना है, यानी कि बड़ी जो आबादी है, जनता जो उनको ये बड़ा लाभ भी पहुंचने वाला है। 55,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन की सिंचाई की जाएगी। और भी इस पर क्या कुछ ताजा जानकारियां? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में आज मुख्यमंत्री और एक बड़ी सिंचाई परियोजना जो कि करीब 1700 करोड़ की लागत से बनी है, उस सिंचाई परियोजना की सौगात अलीराजपुर जिले की गांव को देंगे। करीब 167 से ज्यादा गांव है, 150 गांव जिनकी जमीन जो है अब सिंचित हो जाएगी, वहां सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, फसलों की पैदावार दोगुनी होगी, जिससे निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों की जो आय है, जो आमदनी है, उसको दोगुना करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का एक अच्छा प्रयास है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है गरिमा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले कई समय से, कई महीनों से लगातार दिल्ली और राजस्थान में जल शक्ति विभाग से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री के संपर्क में है। तो अब दो बड़ी परियोजनाओं की सौगात अगले महीने तक मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। एक है केन बेतवा लिंक परियोजना, जिससे मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहां जो है सिंचाई का रकबा बढ़ेगा बेतवा लिंक से। दूसरी बड़ी परियोजना जो है वो काली सिंध है। तो काली सिंध जो है वो चंबल को मिलाकर मध्य प्रदेश के करीब 12 जिले, मालवा से लेकर चंबल तक और राजस्थान के कुछ जिलों को वहां से सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। वहां पर बहुत जल्दी जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दोनों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द जयपुर में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। गरिमा, जिस तरह से 1700 करोड़ रुपए की इस परियोजनाओं का आज भूमि पूजन करने वाले हैं सीएम, और ये बड़ी सौगात किसानों के हित में, किसानों को ध्यान में रखते हुए, एक अनुमानित समय भी कहीं ना कहीं इसकी भी जानकारी सामने आई होगी गौरव, कि कितने वक्त में ये जो भूमि पूजन, जो लोकार्पण का कार्यक्रम चल रहा है, कितने वक्त में ये सिंचाई परियोजना बनकर तैयार हो जाएगी और लोगों को, जिस तरह से 159 गांव के लोगों को फायदा पहुंचने की बात कही गई है, कब तक उन लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद जताई गई? देखिए, निश्चित तौर पर होती है, 1 से 1.5 साल का समय लगता है, ऑपरेशन आजकल आ गई है तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। क्योंकि अगर कोई परियोजना में कोई भी प्रोजेक्ट थोड़ी सी देखनी होती है तो सरकार उन पर पेनाल्टी लगाती है, ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करती है। इसलिए उम्मीद है कि करीब 1.5 से 2 वर्ष के बीच में जो है ये सिंचाई परियोजना का लाभ लोगों को मिलने लगेगा। वही दो ये बड़ी परियोजना किया है, कैन बेतवा और ये कहानी से क्योंकि चंबल के साथ जुड़ने जाती है। इसके मध्य प्रदेश जो है पड़ोसी दो राज्यों के साथ उसका एक एमओयू हो चुका है जल शक्ति केंद्र विभाग की तरफ से। उसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र और इधर मध्य प्रदेश का और चंबल का और राजस्थान का क्षेत्र, ये दो बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी करीब 1 महीने में मिलने जा रही है। करीब